नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। तो आज की मेरी स्पेशल रिपोर्ट में मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिनसे आप अच्छे से वाकिफ होंगे। इन्होंने बड़े अच्छे हैं लगते शो में भी काम किया था और काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी। लेकिन दोस्तों, जहाँ इनकी प्रोफेशनल लाइफ इतनी सक्सेसफुल रही, उतनी सक्सेसफुल इनकी पर्सनल लाइफ नहीं रही। इनफैक्ट इनको पर्सनल लाइफ में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन्होंने 20 साल की उम्र में पहली शादी कर ली थी और इसके बाद इनकी दूसरी शादी भी हुई, लेकिन ये दोनों ही शादियां इनकी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इन दोनों ही शादियों में इन्हें धोखा मिला और इसके बाद इन्होंने इन दोनों शादियों से तलाक ले लिया। दोस्तों, आज के समय में ये दो बेटियों की माँ हैं और इन दोनों बेटियों को खुद पाल रही हैं। इसी वजह से इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां ये एक्ट्रेस दो बेटियों को भी पाल रही हैं, वहां इन्हें पैसों के लिए काम करना भी पड़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री में जो माँ होती हैं, जो मदर्स हो जाती हैं, शादी हो जाती है जिनकी, उनको काम देना थोड़ा सा लोग कम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है क्योंकि अब ये माँ बन चुकी हैं तो ये अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगी। और इसी वजह से इस एक्ट्रेस को काफ़ी आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। किस एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, आइए जानते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। इस वीडियो में मैं आपको इस एक्ट्रेस से रूबरू कराने वाला हूँ। इसके साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ कि उनकी ज़िंदगी अब कैसी चल रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो 10 साल पहले शुरू हुआ था एक टीवी सीरियल। इस सीरियल का नाम था बड़े अच्छे लगते हैं। इस सीरियल को लोगों ने खूब पसंद किया था और ये काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था। अब शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इस शो के मेकर्स ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल इस शो को बनाने वाली हैं एकता कपूर, और एकता कपूर ने अब इस शो को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। वह इस शो का सेकेंड पार्ट जल्दी लाने जा रही हैं। जी हाँ, एकता कपूर जो हैं वह इस शो को फिर से दर्शकों के लिए लाएंगी। आपको बता दें कि एकता कपूर और भी कई शोज़ के रीमिक्स और सीक्वल्स जो हैं वह मार्केट में ला रही हैं, टीवी शोज़ ला रही हैं, और उसी में सुशांत सिंह राजपूत का पवित्र रिश्ता भी आता है। लेकिन बात की जाए अगर बड़े अच्छे लगते हैं शो की, तो इस शो में पिछली बार यानी इसके पहले सीज़न में राम कपूर और साक्षी तन्वर की जोड़ी दिखी थी। खबर है कि इसमें इस बार राम कपूर और साक्षी की जगह एक नई जोड़ी देखने को मिलने वाली है। वैसे इस सीरियल के सभी कलाकार काफ़ी पॉपुलर हुए थे। शो में साक्षी तन्वर यानी प्रिया शर्मा की छोटी बहन आयशा का किरदार चाहत खन्ना ने निभाया था। जी हाँ, अगर आपने भी इस शो को देखा है तो आप इस किरदार से अच्छे से वाकिफ होंगे। चाहत खन्ना एक अच्छी अदाकारा हैं और वे इस शो से भी काफ़ी पॉपुलर हुई थी। लेकिन दोस्तों, चाहत की रियल लाइफ की अगर बात की जाए तो उन्होंने दो शादियां की हैं, लेकिन बावजूद इसके वे अब अकेली ही हैं। उन्होंने दो शादियां ज़रूर की, लेकिन उनकी शादियां सक्सेसफुल नहीं रही, उनके पार्टनर्स के उनके साथ अच्छी नहीं जमी, और इसी की वजह से वे आज के समय में एक सिंगल मदर हैं और बिल्कुल अकेली हैं। चाहत अब सिंगल मदर बनकर दो बच्चियों की परवरिश भी कर रही हैं। जी हाँ, 20 की उम्र में हो गई थी वे शादीशुदा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अभी तक प्यार नहीं मिल पाया है, और इसी को लेकर आज की मेरी ये स्पेशल रिपोर्ट है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान चाहत ने बताया कि वे इन दिनों तंग हाली के दौर से भी गुजर रही हैं। दोस्तों, अकेले बच्चों को पालना आसान काम नहीं होता, और इसी के बारे में बात करते हुए चाहत ने इस इंटरव्यू में कहा कि उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि कोरोना और तमाम दिक्कतों के चलते काम की भी कमी है, और काम ना होने की वजह से सेविंग्स भी सारी ड्राई ऑफ होती जा रही हैं। दोस्तों, इसके अलावा चाहत बताती हैं कि उन्हें काम नहीं मिल पा रहा। काम ना मिलने की एक वजह बताई जाती है कि वे मदर हैं। जी हाँ, वो खुद कहती हैं कि माँ होने की वजह से भी उन्हें काम नहीं मिलता। चाहत ने कहा कि जब एक शादीशुदा एक्ट्रेस को कास्ट करने की बात आती है
जो एक माँ भी है, तो मेकर्स दो बार सोचते हैं। वे इस डाउट में रहते हैं कि ये क्योंकि अब माँ बन चुकी हैं तो काम के लिए इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाएंगी, इतना ज़्यादा काम को समय नहीं दे पाएंगी। और चाहत कहती हैं कि मैं तो दो दो बच्चियों की माँ हूँ, उनकी दो बच्चियाँ हैं, एक का नाम जोहर और एक का नाम है अमायरा, और दो बच्चियों की माँ होने की वजह से लोग मेरे को काम देने के बारे में सोचने से पहले कई अटकने लगाते हैं। चाहत ये भी कहती हैं कि मैं तो दुगनी मेहनत के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई ऑफ़र तो मिले। मैं किसी को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होने दूंगी कि मैं एक मदर हूँ, दो बच्चियों की माँ हूँ, और अपने काम को लेकर पूरी तरह से समर्पित होंगी, डेडिकेटेड होंगी। दोस्तों, चाहत के मुताबिक मेकर्स मुझे माँ होने पर जज करते हैं कि मैं पहले की तरह काम नहीं कर पाऊँगी, लेकिन सच तो ये है कि माँ बनना आपको पहले से ज़्यादा मजबूत बना देता है, क्योंकि आप अपने बच्चों और उनके भविष्य के लिए काम करते हैं, और पहले जहाँ आप खुद के लिए ही काम कर रहे थे, वहाँ अब आप अपने बच्चों के लिए और उनके भविष्य के लिए काम कर रहे होते हैं। तो काम के ऑफ़र ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मैं कमज़ोर लोगों में से नहीं हूँ, मैं हर पहलू से मजबूत, फिट और बेहतर हूँ। तो इस तरह की बातें कुछ चाहत इस इंटरव्यू में करती दिखी। वे बताती हैं कि उनको माँ बनने के बाद काम के लिए जो उनकी डेडिकेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करनी है। इसके साथ वो बताती हैं कि वे काफ़ी स्ट्रांग हैं, उन्हें काम चाहे नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वे अपने आप को स्ट्रांग बना के रखी हुई हैं, और वे जानती हैं कि आज नहीं तो कल काम उन्हें ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा वो आगे कहती हैं कि मैं खुद को किसी कैटेगरी में नहीं रखना चाहती कि मैं टीवी, वेब या फिल्मों में काम करूंगी। वो कहती हैं कि ऐसा नहीं है, जो कुछ भी मेरे दायरे में होगा मैं उसमें अपना काम दूंगी, अपनी पूरी शिद्दत से मेहनत करके अच्छी परफॉर्मेंस दूंगी। वो कहती हैं कि मैं खुद को सीमित नहीं करना चाहती, मैं हर तरह का काम करना चाहती हूँ, और फिर चाहे वो टीवी का काम हो, वेब सीरीज़ का काम हो, या हो वो काम मूवीज़ का। खैर, आपको बता दें कि चाहत ने दो शादियां की हैं। पहली शादी उन्होंने 20 साल की उम्र में ही कर दी थी। ये शादी उनकी दिसंबर 2006 में भरत नाम के इंसान से हुई थी। शादी के लिए चाहत ने पॉपुलर शो बड़े अच्छे लगते हैं को भी छोड़ दिया था। हालांकि 7 महीने बाद इनका रिश्ता ख़त्म हो गया। चाहत ने भरत पर फिज़िकल अब्यूज़ का आरोप लगाया और उन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। इसके बाद फिर फरवरी 2013 में उन्होंने मशहूर राइटर शाहरुख मिर्ज़ा के बेटे फरहान मिर्ज़ा से शादी की। इस शादी में भी उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। 5 साल बाद यानी सितंबर 2018 में चाहत ने दूसरी शादी को भी ख़त्म करने का फ़ैसला लिया। उन्हें इस शादी से भी वो सुकून और प्यार नहीं मिला जिसकी वे उम्मीद कर रही थी, और उन्होंने अपनी दूसरी शादी भी तोड़ दी। दोस्तों, चाहत ने फरहान पर सेक्सुअली और मेंटली हरासमेंट के आरोप लगाए। आपको बता दें कि दूसरी शादी से चाहत खन्ना की 2 बेटियां हुई। बड़ी बेटी का उन्होंने नाम रखा जोहर मिर्ज़ा और छोटी का नाम रखा अमायरा मिर्ज़ा। वहीं दोस्तों, अगर चाहत के करियर की बात की जाए तो चाहत ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 2005 में आई सीरियल कुमकुम प्यार सा बंधन से की थी। इसके बाद वे हीरो भक्ति ही शक्ति है में भी दिखी थी। इसके अलावा तुम बिन प्रीत लगाई सजना में भी वे दिखी, बड़े अच्छे लगते हैं सीरियल में भी वे नज़र आई थी, और इस सीरियल से उन्हें काफ़ी पॉपुलरिटी मिली थी। आखिरी बार चाहत जो है वो कबूल है में दिखी, जो 2014 में आया था। वर्क फ्रंट की बात करें तो वे संजय दत्त की फिल्म प्रस्थानम में भी काम कर चुकी हैं। कुछ दिन पहले वे मिक्का सिंह के म्यूज़िक वीडियो में भी नज़र आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। आज हमने बात की चाहत खन्ना के बारे में और कैसे उनकी मदर, सिंगल मदर की ज़िंदगी गुजर रही है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।